Hello students, good morning. In the previous video we completed chapter number 2, whole numbers. In this video we discuss about playing numbers, chapter number 3. Okay, तो हम लोग देखते हैं बेटा playing with number में. First of all introductions. देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि रमेश है 6 मार्बल विथ हिम. रमेश के पास क्या है बेटा, 6 मार्बल्स है. ही वॉन्ट टू अरेंज देम इन वर्ड सॉरी इन रो इन सच अ वे दैट ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स. ठीक है, क्या कर रहा है, वो चाह रहा है उसको अरेंज करना एक रो में, और वो भी चाहता है कि एक रो में सिर्फ सेम नंबर ही आए. ठीक है, ही अरेंज देम इन द फॉलोइंग वे. वो क्या करेगा, उसको अरेंज करेगा फॉलोइंग वे में एंड मैच द टोटल नंबर ऑफ मार्बल. और उसको क्या करता है, मैच करता है टोटल मार्बल में. ठीक है, फर्स्ट में क्या करता है, रो में सिर्फ वन 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 कर देता है. ठीक है, तो वन मार्बल इच रो, नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा, 6. टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना आ जाएगा बेटा, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 6. सेकेंड में क्या करता है कि एक रो में कितने मार्बल कर देता है बेटा, 2. तो नंबर ऑफ रो कितना है, 3. तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हो जाएंगे, 6. बट थर्ड नंबर में क्या करता है कि प्रत्येक रो में कितना कर देता है, 3. नंबर ऑफ रो कितना होता है, 2. तो टोटल मार्बल्स कितना हो गए, 6. ठीक है, बट लास्ट में क्या करता है कि वन रो में कितना नंबर ऑफ रो कितना रखता है, 1. ठीक, और प्रत्येक रो में कितने हैं, 6. तो टोटल नंबर ऑफ कितना हो गया, 6. तो सभी केसेस में, ठीक है, वो किसी भी तरीके से उसको अरेंज करता है, सभी केसेस में उसके कितने हैं, 6 मार्बल हैं. ठीक है, 1 रो 1 का करे फिर भी, 2 रो का करे तो फिर भी, 3 का भर करे फिर 1 का करे फिर भी, तो तीनों में क्या रहा, सेम आ रहा. ठीक, आगे हम लोग देखते हैं बेटा फैक्टर एंड मल्टीपल. ठीक है, मैरी वॉन्ट टू फाइंड हु नंबर्स विथ एग्जैक्टली डिवाइडेड 4. ठीक है, मैरी क्या चाहती है, वो प्राप्त करना चाहती है उस नंबर को जो एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो. ठीक है, सी डिवाइड्स 4 बाई नंबर्स लेस देन 4 दिस वे. ठीक, 4 को डिवाइड करती हूँ 1 से 4 टाइम में, 2 को 2 टाइम में, 3 को 1 टाइम, रिमाइंडर 1 बन जाता है, 4 से 1 टाइम रिमाइंडर 0 बन जाता है. ठीक है, इसमें क्वाटियंस क्या आता है, 4 रिमाइंडर 0, क्वाटियंस 2 रिमाइंडर 0, इसमें 1 1 और क्वाटियंस 1 और रिमाइंडर 0. ठीक, तो आगे देखिए क्या बोलता है, किसी फाइंड दैट द नंबर 4 कैन बी रिटन एज 4 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1, जिसका रिमाइंडर 0 होता है. ठीक है, एंड नोन द नंबर 1 2 एंड 4 आर एग्जैक्टली डिविजर ऑफ 4. ठीक है, जिससे जिससे डिवाइड हो जा रहा है वो क्या होगा, डिविजर हो जाएगा 4 का. तो इस नंबर को क्या बोलेंगे बेटा, फैक्टर ऑफ 4. ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर. क्या होता है फैक्टर, कि फैक्टर वो नंबर होता है जो एग्जैक्ट डिविजर हो उस नंबर का. ठीक है, ऑब्जर्व ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ 4 लेस देन और इक्वल टू 4. ठीक, इसको दिया आप लोग ऑब्जर्व करोगे. ओके, फिर आगे हम लोग मूव करते हैं बेटा, क्या हो गया, फैक्टर हो गया, बट मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल देख लेते हैं हम लोग, कि वी रिप्रेजेंटेशन 24. ठीक है, इसको क्या है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई 12, सो दैट 2 एंड 12 और फैक्टर ऑफ 24. ठीक है, 2 और 12 क्या है, फैक्टर है 24 का, क्योंकि बोथ दोनों ही कंडीशन में डिवाइड करने पर क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा. वेयर्स 24 इज द मल्टीपल ऑफ 2 एंड 24, तो वी कैन से दैट नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर. ठीक है, जो मल्टीपल होता है उसका क्या होता है बेटा, फैक्टर होता है. क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग. क्या बोल रहा है कि बेटा, राइट द फैक्टर ऑफ 68. 68 का फैक्टर आपको राइट करना है. ठीक है, तब क्या करोगे, वी नोट द, अब राइट करोगे. ठीक है, 1 से 68 में मल्टीप्लाई को 68 आएगा. ठीक है, फिर 2 से 2 में 34, 2 से डिवाइड करोगे 34 टाइम जाएगा, 4 से 17 टाइम और 17 से 4 टाइम, तो क्या हो जाएंगे, 4 इसके मल्टीपल हो जाएंगे. ठीक है, कौन सा, 1 2 4 एंड 17. स्टॉप देयर बिकॉज 4 एंड 17 हैव अकरेंट अर्लियर, दस द फैक्टर ऑफ 68, 1 2 4 एंड 17, 34 एंड 68, ये क्या हो जाएगा बेटा, फैक्टर हो जाएगा किसके, 68 के. ठीक, सेम इसमें 36 के निकाल लेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 12 18 और 36 से क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे. ठीक है, अब हम लोग मल्टीपल की बात कर लेते हैं, मल्टीपल कैसे राइट करें, द रिक्वायर्ड मल्टीपल ऑफ सॉरी द रिक्वायर्ड मल्टीपल ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 12, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 13, 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 24, 6 मल्टीप्लाई 30, दैट इज 6, 12, 18, 14 और 30
ये क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ सिक्स, मतलब मल्टीपल आपको निकालना होगा डायरेक्टली, या जान लो बेटा ऑफ सिक्स का टेबल पढ़ लो, ठीक है, जिसका आपको मल्टीपल निकालना हो उसका टेबल पढ़ते चले जाओ, क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल निकल के चला आएगा। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम लोग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, वी आर नाउ फेमिलियर विद द फैक्टर ऑफ अ नंबर, ठीक है, हम लोग फेमिलियर हो चुके फैक्टर ऑफ नंबर से, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ द फैक्टर एंड फील्ड नंबर एज इन द दिस टेबल, ठीक है, हम लोग को क्या करना है ऑब्जर्व करना है जो फैक्टर दिया गया है कुछ नंबर्स का इस टेबल में, ठीक है, जैसे नंबर वन हो गया इसका फैक्टर वन है, नंबर ऑफ फैक्टर कितना है वन, टू का इसका फैक्टर कितना है वन और टू, नंबर ऑफ फैक्टर टू, थ्री का नंबर ऑफ फैक्टर टू, फोर का नंबर ऑफ फैक्टर थ्री, फाइव का नंबर ऑफ फैक्टर टू, ठीक है, ऐसे इसको हम लोग देख लेते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें क्या कि वी आर वी फाइंड दैट ए इज द नंबर फर्स्ट हैज ओनली वन फैक्टर दैट इज इटसेल्फ, जो फर्स्ट है उसका सिर्फ एक फैक्टर है सिर्फ वही नंबर वन, सेकेंड में देयर आर नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर फर्स्ट एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है, देयर आर नंबर्स, ठीक है, और जो नंबर्स है उसके क्या है बेटा एग्जैक्टली टू फैक्टर है जिसमें से क्या है बेटा वन और नंबर इटसेल्फ है, तो सच टाइप ऑफ नंबर कौन कौन से हैं, टू है, थ्री है, फाइव है, सेवन है, इलेवन है, एट्सेट्रा, दीज नंबर और प्राइम नंबर, ठीक है, कौन से नंबर होते हैं बेटा प्राइम नंबर, तो अब ध्यान से देखना कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कि द नंबर अदर देन वन हुज ओनली फैक्टर्स आर वन एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर, ठीक है, द नंबर वो नंबर एक को छोड़ करके जिसका फैक्टर वन और वो नंबर खुद हो वही उसका क्या होता है प्राइम नंबर, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा बेटा 11, चूंकि इसमें वन सॉरी 11 वन और 11 का है, ठीक है, सिर्फ टू फैक्टर है, फिर उसके बाद क्या है 7, इसमें वन और 7 है, फिर 5 वन और 5, फिर 3 वन और 3, ये क्या हो जाएंगे प्राइम नंबर हो जाएंगे, क्लियर, आगे मूव करते हैं बेटा उसको देखते हैं हम लोग क्या, फिर ट्राई टू फाइंड द सम मोर देन मोर प्राइम नंबर अदर देन दिस, ठीक है, हम लोग को क्या करना है और ट्राई करना है प्राइम नंबर निकालने के लिए, तो बाद में होगा, फिर हम लोग आगे देखते हैं, देयर आर नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर हैं जिसके फैक्टर हैं मोर देन टू, जैसे हो गया कि 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, ठीक है, तो दिस नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है, वो नंबर क्या होंगे कंपोजिट नंबर होंगे, नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर और कॉल कंपोजिट नंबर, वो नंबर जिनके मोर देन टू फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट जो लिखा हुआ है एक हाईलाइट करके, फर्स्ट इज नाइदर अ प्राइम और नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, फर्स्ट जो है नहीं प्राइम नंबर है और नहीं कंपोजिट नंबर है, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल, ठीक है, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल की बात होती है तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है, ऑब्जर्व अ फैक्टर फैक्टर ऑफ सम नंबर्स टेकन इन पेयर, ठीक है, इसमें क्या दिया है बेटा कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 4 एंड 18, ठीक है, 4 और 18 का फैक्टर क्या होगा, तो द फैक्टर ऑफ 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा बेटा 1, 2 एंड 4, और फैक्टर ऑफ 18 का क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 6, 9 और 18, तब हम लोग क्या निकालेंगे कि इसमें कॉमन देख लेंगे, ठीक है, दोनों में सेम कौन है, इसमें वन भी सेम है, टू भी सेम है, और तो कुछ सेम है नहीं, नहीं है, तो नंबर ऑफ वन एंड टू आर द फैक्टर ऑफ बोथ 4 एंड 18, दे आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 18, क्लियर, कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा हम लोग, अब मल्टीपल कैसे निकालते हैं कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो वी आर मल्टीपल ऑफ 4 एंड 16, तब सॉरी व्हाट आर द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6, तो हम लोग निकाल लेते हैं बेटा द मल्टीपल ऑफ 4 इक्वल 4 और 4, 8, 12, 16, 20, 24 राइट इन द फ्यू मोर, जितना राइट कर सकते हो उतना राइट कर लो, ठीक है, द नंबर ऑफ 6 द मल्टीपल ऑफ 6 आर इक्वल टू 6 आ जाएगा 12, 18, 24, 30, 36 और भी राइट कर सकते हो, आउट ऑफ दिस आर देयर एनी नंबर व्हिच अकर इन बोथ द लिस्ट, अब इसमें हम लोग देखो देखते हैं क्या है, 4 है नहीं, 8 भी नहीं है, 12 है, वेरी गुड 12 है, उसके बाद क्या है आगे हम लोग मैच करेंगे तो आगे क्या क्या मैच करेगा, और इधर 28 है, दो मैच कर रहा है, फिर आगे इसमें 36 भी मैच करेगा, तो वी ऑब्जर्व दैट क्या कि 12, 14, 16 आर मल्टीपल ऑफ बोथ 4 एंड 6, कैन यू राइट अ फ्यू मोर, और आप इसमें राइट भी कर सकते हो क्योंकि जितने टेबल लिखोगे कुछ ना कुछ मैच करते रहेंगे, तो दे आर कॉल्ड द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6, तो क्या हो जाएगा कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 4 और 6 का, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं, अब हम लोग क्या चलते हैं बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं क्या होता है, व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज अ
product of its factor, we say that the number has been factorized. Thus, when we write 24, 3 into 8, we say that 24 has been factorized. This is one of the factorization of 24. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि फैक्टराइजेशन क्या होता है, यदि आप उसके मल्टीपल के फैक्टर के बारे में लिखते हो, ठीक है, उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग कि फैक्टराइज हो गया। जैसे 24 है, इसको 2 और 12 में राइट कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अब देखो इस 2 को नहीं डिवाइड करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बेटा, इस 12 को डिवाइड करेंगे। ठीक, इसको देखो हम लोग फिर से निकाल देते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, कितना है बेटा, 24 है, 24 को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 12। अब इस 2 को छोड़ देंगे, इसको हम लोग सर्किल कर लेंगे, अब फिर इस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक कि डिवाइड होता रहेगा तब तक 6, अब फिर हम लोग इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे जब तक कि ये डिवाइड होता रहे, तो क्या हो जाएगा, ए ए ए। ठीक है, इधर देखो 2 2 2 3, ये क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा किसका, 24 का। ठीक है, इतनी बड़ी कहानी में बस यही समझाया, 2 2 2 एंड 3, क्लियर। तो देखो यहाँ लास्ट में दिया है 2 2 2 2 एंड 3 एज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। ठीक, सेम ही प्रोसेस यहाँ क्या है, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 ने 2 2 2 2 3 3 ईच ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। इसको कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको देख लेते हैं। मान लीजिए 36 यहाँ पे दिया है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा बेटा, 18। ठीक है, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 9। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम। ठीक है, इसके बाद कटने वाला है नहीं, इधर 2 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 3 हो गया, 2 2 3 3, 2 2 3 3, ये क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हम लोग देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देख लेते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में वी कैन फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू नंबर्स। ठीक है, यदि हम लोग को किसी दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर निकालना है, तो वी नाउ ट्राई टू फाइंड द हाईएस्ट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर। इसमें क्या होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसको हम लोग को निकालना होगा। व्हाट आर कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16। ठीक है, 12 और 16 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो दे आर 1 2 एंड 4। ठीक है, तो हम लोग निकलते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर, इट इज अ 4। ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 28 एंड 30। ठीक है, दे आर 1 2 एंड 4, नॉट एंड 4 अगेन इज द हाईएस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर। अब देखो कॉमन फैक्टर, फैक्टर कैसे निकाल देते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर समझते हैं हम लोग को कैसे निकलेगा। ठीक है, द हाइएस्ट कॉमन, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ ऑफ 2 अ मोर गिवेन नंबर, इट इज द हाइएस्ट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। जो एच सी एफ क्या होता है बेटा, जो उसके फैक्टर होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा होता है उसी को क्या बोलते हैं, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जी सी डी के नाम से भी जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ठीक है, द एच सी एफ ऑफ 20 28 एंड 36, उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है बेटा, 20 का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, 20 का हम लोग क्या करेंगे बेटा, फैक्टर निकालेंगे, 2 2 5 आएगा, 28 का निकालेंगे 2 2 7 आएगा, और 36 का निकालेंगे तो 2 2 3 क्या आएगा, 2 2 3। अब हम लोग मैच कर लेते हैं, इसमें सेम कौन कौन सा, इधर 2 है, इधर 2 है। ठीक है, द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 28 एंड 36 में 2 क्या है, अकरिंग 2 टाइम्स है। फिर 10 द एच सी एफ ऑफ 20 28 और 36, तो 2 × 2 कर देंगे कितना आ जाएगा, 4। तो 4 क्या हो जाएगा इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, एफ सी एफ समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं बेटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एलसीएम। व्हाट आर द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या है, दे आर 12 24 36, विच इज द लोवेस्ट ऑफ दिस, इट इज द 12। वी से दैट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 इज 12। इट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट नंबर दैट बोथ द नंबर आर फैक्टर ऑफ दिस नंबर्स। द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट और लीस्ट देयर कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है क्या होता है बेटा, किसी भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स को जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वहीं उसका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, 9 एंड 6,
फोर एंड नाइन और सिक्स एंड नाइन, तो इसको हम लोग निकाल देंगे। हम लोग देख लेते हैं 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल कैसे निकलता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या बेटा, कि वी नो दैट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18 आर 36, 72, 108। ठीक है, यानी आप 12 का टेबल ऐड करना है बेटा। ठीक है, 12 का मल्टीपल करो क्या आएगा, ठीक है यहीं आएगा, और 18 का करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन मल्टीपल देखो, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 36, ठीक है 36 हो जाएगा ना, तो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 36। इतनी बड़ी कहानी में सेम यही प्रोसेस दिया हुआ, ठीक है और कुछ नहीं है इसमें। 36 लेट अनदर मेथड ऑफ एलसीएम टू नंबर इक्वल टू इतना, इसमें क्या नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे दोनों का। देखो इसमें 2 2 3 है, इसमें 2 3 3 3 है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो सेम होगा उसका हम लोग क्या करेंगे, देखो एक इसका एक इसके साथ में क्या बेटा बन रहा है, शेयरिंग बन रही है, एक इसके साथ शेयरिंग बन रही है, जिसकी शेयरिंग बनेगी उसकी भी, और जिसकी नहीं भी बनेगी उसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो एक तो इधर शेयर हो गया, एक कट हो गया, एक इधर, एक क्या हो गया, दो हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, दो हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करो कितना जाएगा, 36। क्लियर, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आगे। सॉरी, हम लोग का चैप्टर अब इसी जगह कंप्लीट होता है, फिर हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।